दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये है कि अभी तक तो हम लोग देखा करते थे कि किसी आरोप में, किसी घोटाले में, किसी बड़े स्कैंडल में व्यक्ति फंसा करते थे, व्यक्तियों का समूह फंसा करता था। लेकिन आज दिल्ली में एक नया इतिहास बना है, जहां शराब घोटाले में दिल्ली की जनता की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की, अथॉराइज कॉलोनियों में रहने वालों की, रेड़ी पटरी जैसे कार्य करने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उस सरकारी खजाने के पैसे को शराब घोटाले में एक बड़ा लूट करने के लिए सीधे राजनीतिक पार्टी ही आरोपित हो गई है। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वही जांच एजेंसी के रिपोर्ट के चार सीट में 38 नंबर पे आम आदमी पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी, वही आरोपित हुई है। वही चार सीट में इस आरोप के साथ आई है कि इस लूट की बेनिफिशियरी ये पार्टी है और उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ जितने साक्ष्य थे, जांच चल रही थी, जिसके तहत वो गिरफ्तार भी है। उस अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने बार बार जीवन में कहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई छोटा सा आरोप भी लगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, जब केस चल रहा था, जांच एजेंसियां काम कर रही थी, जगह जगह से साक्ष्य आ रहे थे, गवाह अपनी बात कर रहे थे, तब तो खैर उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। लेकिन आज जब वो स्वयं ईडी की चार्जशीट में, दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं, अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को ही आरोपित कर दिया गया हो किसी ऐसे शराब घोटाले में, वो पार्टी क्या करे? नैतिकता उस पार्टी के लिए आज क्या बनती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल देश के हर राजनीतिक पंडित के मन में भी होना चाहिए, होगा भी, दिल्ली की जनता के मन में भी है, और हम सब सांसद के रूप में, दिल्ली के सांसद जहां जा रहे हैं, दिल्ली की जनता यही कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो आई ही थी करप्शन के खिलाफ एक्शन करने के लिए, उसके जितनी नैतिक बातें, जितनी कागजी बातें, जितनी मैनिफेस्टो की बातें आप अगर आज अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है इस देश में कोई दूसरी पार्टी इतनी नैतिकता की बात करते हुए तो नहीं आई थी जितना आम आदमी पार्टी। मेरा मानना है कि आज इस सवाल का भी जवाब पूछना चाहती है दिल्ली की जनता कि अरविंद केजरीवाल, आपने इस शराब घोटाले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरोपी विजय नैयर को, उनके संबंध में आपने कहा ये मुझे नहीं, ये आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी,
उनको रिपोर्ट करता था। तो आज दिल्ली की जनता एक सवाल करना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री थे, विजय नैयर अगर एक सरकारी बंगले में रहता था तो बंगला किसने इसको दिया था? वो जिस बंगले में रहते थे उसकी अलॉटमेंट कैसे हुई थी, इसका जवाब तो एक चिट्ठी लिख करके जेल से दे देना चाहिए। ऐसे में आज मैं दिल्ली की जनता से भी ये प्रार्थना करूंगा, मुझे भी दिल्ली में सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया, तीसरी बार दिल्ली ने हमको सांसद बना के खड़ा किया, और जब हम गली में जा रहे हैं तो मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आपको जानकर के दुख होगा कि दिल्ली में 2018 के बाद जो 60 साल का हो रहा है अब उसका बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलता है। दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी किसी गरीब का नया राशन कार्ड नहीं बना है, जबकि लगभग 1,72,000 लोग आउट ऑफ 72 लाख टोटल राशन कार्डधारी 72 लाख हैं, इसमें 1,72,000 लोग अभी संसार में नहीं है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद भी एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, और हम जब भी कहीं बैठते हैं जन सुनवाई करने, जब भी हम कहीं बैठते हैं लोगों के बीच में, तो उस उपस्थिति का 30% लोग राशन कार्ड के लिए गरीब चिल्ला रहे होते हैं। आप सबको ये दिल्ली के जनता को जानकारी में रहे कि जो 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पूरे देश में 55 करोड़ लोग उसमें इनरोल्ड हैं, जिसमें लगभग 70 से 74 लाख तक की आबादी दिल्ली की है, उनका नाम निबद्ध है कि अगर आपके घर में माता पिता पति पत्नी और उसके बच्चे, इसको परिवार कहा जाता है उस डेफिनेशन में, उसको 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, लेकिन वो दिल्ली में रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, और झूठ बोलते हैं। आपको एक और जानकारी दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गरीबों को घर देने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना जो 4,21,00,000 लोगों को पूरे देश में घर दे दिया है, एक केवल कालका जी का उदाहरण छोड़ दीजिए जो डीडीए की जमीन थी और सरकार की योजना से हुई, वरना दिल्ली के एनसीटी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है, उसको चालू नहीं किया गया है। तब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल में क्या दिया है आपने? आपने 10 साल में दिया तो कुछ नहीं, पानी के लिए भी दिल्ली तरस रही, या तो पानी के लिए ही तरस रही है या तो पानी के कारण तरस रही है, परेशान हो रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।